नमस्कार, मैं कुमकुम तिवारी भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। आज डीएलएड प्रथम वर्ष। आज का टॉपिक है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें फर्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसमें वंशानुक्रम कारक में व्यक्ति के जो पैतृक होते हैं, उनके गुण जो पाए जाते हैं, वो प्रभावित करते हैं। उनके गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। ये गुण जिनके माता पिता हष्ट पुष्ट तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं वो प्रखर बुद्धि वाली होती हैं। वंशानुक्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरे नंबर पे आता है वातावरण। वातावरण जो एक कारक है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। वातावरण के द्वारा व्यक्ति का तीव्र गति से विकास होता है। अच्छे वातावरण में अगर व्यक्ति रहता है, तो उसका विकास अच्छे से होता है। इसमें पर्याप्त धूप, सूर्य का प्रकाश, जलवायु सारी चीजें आती हैं। तीसरे पे आता है पौष्टिक भोजन। एक बालक के विकास के लिए पौष्टिक भोजन का लेना बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पौष्टिक भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इससे बालक की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बालक का विकास अच्छे से होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या के अंतर्गत व्यक्ति को, बालक को सुबह जल्दी उठना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए और खाना पीना सोने का एक नियमित दिनचर्या होने चाहिए, जिसके द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है कारक निद्रा। निद्रा एक बालक को भरपूर, जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है, उसके लिए कम से कम 18 घंटा निद्रा करना चाहिए और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बच्चों को कम से कम 10 से 8 घंटे सोना चाहिए, तो इससे शारीरिक विकास अच्छे से होता है। अगला कारक है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर सभी बच्चों के अंदर अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी का बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, किसी का धीमी गति से होता है। एक व्यक्तिगत भिन्नता का भी कारक है। अगला है बुद्धि। बुद्धि जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जो कम बुद्धि के बालक होते हैं, उनका शारीरिक विकास कुछ धीमे धीमे क्रम में होता है। अगला है खेल और व्यायाम। एक बालक के लिए खेल सबसे महत्वपूर्ण कारक है। खेल के द्वारा द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सारे विकास महत्वपूर्ण रखते हैं। खेल के द्वारा बालक के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास, आनंद प्राप्त करता है और वो बालक के शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत अन्य कारक भी है जो निम्नलिखित हैं। धन्यवाद। बस।